गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम नेहा। आई होप यू ऑल आर गुड। दिस इज योर कंप्यूटर बुक। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड, चैप्टर नेम इज मोर ऑन क्यू बेसिक। मोर ऑन क्यू बेसिक। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट इंट्रोडक्शंस अबाउट द क्यू बेसिक, रिमार्क स्टेटमेंट REM, RIM, लूप्स इन क्यू बेसिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स, मॉड्यूलस ऑपरेटर अमोड फंक्शन, स्ट्रिंग ऑपरेशन ऑपरेटर सॉरी एंड क्यू बेसिक लाइब्रेरी फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शंस, ग्राफिक इन क्यू बेसिक। तो ये सारे हमारे जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं जो हमें रीड करने हैं। अभी हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन में। व्हाट डू मीन बाय क्यू बेसिक? क्यू बेसिक इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच हैज़ बीन इवॉल्व फ्रॉम द बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज से जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हुई है, जनरेट हुई है। इट इज़ अ पॉपुलर लैंग्वेज डेवलप टू टीच फंडामेंटल कॉन्सेप्ट टू द बिगनर्स। ये क्या होता है, ये बेसिक लैंग्वेज होती है जो हम क्या करते हैं, उसका हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखते हैं स्टार्टिंग में। तो वो बिगनर्स के लिए जो डेवलप करते हैं वो बेसिक से क्या बनता है, क्यू बेसिक। इट इज़ अ फोर्थ जनरेशन प्रोग्राम लैंग्वेज विच अलाउज द प्रोग्रामर्स टू प्लेस एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स डायरेक्टली इन द प्रोग्राम। तो ये क्या करता है, ये फोर्थ जनरेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या करता है, प्रोग्रामर्स को अलाउ करता है इसमें जो भी आप कमेंट दो डायरेक्टली आप कमेंट इसमें ऐड कर सकते हो। आपको जो पूछा था रिक्वायरमेंट है आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये सिर्फ यूज़र के लिए नहीं है, आप यूज़र उसमें क्या है इंडिकेट करता है और आप इसमें क्या कर सकते हो, आंसरिंग कर सकते हो। बींग द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इट इज एडवांटेज इज दैट इट इज़ द रिजल्ट और इंट लैंग्वेज एंड कैन बी यूज बाय नॉन प्रोग्रामिंग पर्सनल सच एज द यूज़र। यूज़र के अलावा जो हम कह सकते हैं पर्सनली यूज़ ना करके नॉन प्रोग्रामिंग जो नहीं जानते हैं प्रोग्रामिंग वो भी ये यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं रिमार्क स्टेटमेंट में, REM, RIM में। RIM स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर राइटिंग रिमार्क्स इन क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग। क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग में रिमार्क जो लिखते हैं हम उसको RIM स्टेटमेंट से लिखते हैं। द प्रोग्राम डज नॉट एग्जीक्यूट अ लाइन और अ स्टेटमेंट। इसमें लाइन और स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इफ़ इट स्टार्ट्स विद अ RIM स्टेटमेंट, अगर आप RIM स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं तो एडवांटेज क्या होता है हमारा, तो इट्स द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम कैन बी बेटर अंडरस्टूड। लॉजिक जो प्रोग्राम का है वो ज़्यादा अच्छे से बेटर समझ आएगा लोगों को। इट्स हेल्प्स इन मॉडिफाइंग एंड अंडर अपग्रेडिंग द प्रोग्राम। क्या होता है, ये मॉडिफाई करता है और अपग्रेड मतलब प्रोग्राम को थोड़ा एडवांस में लेके जाता है। ऑल्सो द रीडेबिलिटीज ऑफ द सोर्स कोड कैन बी इंक्रीजेज। और रीड जो क्या होता है, सोर्स ऑफ कोड है वो रीड करने में आसानी होती है। सेंटेक्स क्या आता है इसमें, RIM एनी रिमार्क और कमेंट टू द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर की तरफ से कुछ रिकमेंड किया गया हो तो इसमें से आप क्या रिमार्क यहाँ डाल सकते हो। जैसे प्रोग्राम कैसे करेंगे, RIM लिख के फिर माय फर्स्ट प्रोग्राम डाला उसने, CLS मतलब क्लियर, CLS डालने के बाद क्लियर पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद क्या आएगा, प्रिंट गॉड इज़ वन। अब प्रिंट क्या कराना है, गॉड इज़ वन, तो यहाँ गॉड इज़ वन क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा और एंड प्रोग्राम, प्रोग्राम एंड हो गया। तो आप प्रोग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे गॉड इज़ वन, जब रिजल्ट देखेंगे तो गॉड इज़ वन क्या आ गया है, प्रिंट होके आ गया है। अब आते हैं लूप्स इन अ क्यू बेसिक। क्यू बेसिक में लूप्स क्या होते हैं, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इज अ प्रोग्राम विच इज़ रिपीटेड अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम अंटिल अ कंडीशन इज मेट और इनफिनिटली, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लूप। क्या कहते हैं, एक लूप क्या होता है, लूप हमारा क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन है इंस्ट्रक्शन जो दिया होता है वो एक नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो, सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो, रिपीट हो और अंटिल ई कंडीशन जब तक मेट ना होती या इनफाइनेटली टाइम। तो कितने टाइम अगर हमको लिख रहा है कि जैसे हमने बोला कि एक चीज़ 5 बार राउंड होकर फिर रुक जाएगी, तो ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं लूप कहते हैं। लूप इज़ अ प्रोसेस दैट ब्रेक द नॉर्मल सीक्वेंस दैट इज टॉप डाउन सीक्वेंस ऑफ अ प्रोग्राम। क्या कहता है कि ये नॉर्मल एक सीक्वेंस है वो क्या करता है, टॉप डाउन से अगर हम ऊपर से नीचे तक वो हमने सीक्वेंस लगा दिया, कोई न्यूज़ जाएगी ऊपर जाएगी फिर वो रिपीट करके फिर से आ जाएगी, फिर न्यूज़ जाएगी फिर वो रिपीट करके ऊपर फिर से आ जाएगी। तो एग्जीक्यूट करेंगे जो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है वन और मोर टाइम, जो भी वन और मोर टाइम का हम यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम ईजिली रिपीट हो जाएगा यूजिंग अ लूप। लूप करने से क्या होगा, वो 3-4 बार रिपीट हो जाएगा। Suppose we have a program that contains 7 statements. 7 statements है एक प्रोग्राम में, हमारे पास एक प्रोग्राम है तो 7 statements है, हम चाह रहे हैं नॉर्मल टॉप डाउन सीक्वेंस में वो चले। तो हम जैसे ही उसको चलाने की कोशिश करते हैं वन बाई वन बाई वन वो चलेगा 1 to 7। बट अब हमें क्या चाहिए, उसमें लूप यूज़ करना है। लूप अगर यूज़ कर रहे हैं लूप आफ्टर द 3 statements के बाद हम लूप यूज़ कर रहे हैं, आस्किंग टू रिपीट द स्टेटमेंट 5, 6, 7। हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा 4 तक स्टेटमेंट चले वो बच्चे से चले, उसके बाद हमारा क्या हो, 5, 6, और 7 हमारा रिपीट करना है कि नहीं करना है, या फिर उसको उसके लिए एक क्वेश्चन आ जाए कि रिपीट करना है कि नहीं, लूप में चलाना है कि नहीं चलाना है। तो ये इंस्ट्रक्शन हम किसके थ्रू ला सकते हैं, लूप के थ्रू ला सकते हैं। लूप स्टेटमेंट अल्टर्स द नॉर्मल सीक्वेंस, नॉर्मल सीक्वेंस को थोड़ा सा क्या करता है, मॉडिफाई करता है, उसको क्या बोलते हैं, लूप स्टेटमेंट कहते हैं। लूप 2 types के होते हैं, 2 categories होती है, अनकंडीशनल लूप होता है, कंडीशनल लूप। कंडीशनल लूप के हिसाब से जो कंडीशन लगाई जाए, अनकंडीशनल लूप जो कंडीशन के रिक्वायरमेंट के बिना भी वो क्या हो, वर्क करे। ठीक है, अब आते हैं वी कैन कन्वर्ट एन अनकंडीशनल लूप विद द हेल्प ऑफ इफ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ देन एल्स स्टेटमेंट से हम क्या कर सकते हैं, अनकंडीशनल लूप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स में आ गए हैं।
गो टू स्टेटमेंट में आते हैं। गो टू स्टेटमेंट क्या कहता है? गो टू स्टेटमेंट कहता है द गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू अनकंडीशनली ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट इन द प्रोग्राम टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना हो तो हम गो टू स्टेटमेंट यूज करते हैं। जैसे द कंट्रोल कैन बी ट्रांसफर आदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। हम चाहे तो आगे जाएं चाहे तो हम पीछे जाएं, इसके ऊपर डिपेंड करता है गो टू स्टेटमेंट। जैसे सेंटेक्स क्या है, गो टू अगर लेना है तो लेवल वन लाइन वन के हिसाब से स्टार्ट होगा। तो स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल केयरफुली। एग्जाम्पल को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्रोग्राम वन है हमारा, प्रिंट करना है पंडित पहले, गो टू के बाद नेम वन अनकंडीशनल लूप के साथ चलेगा, नेम टू जो डालेंगे लेवल टू, लेवल टू तब आएगा जब प्रिंट करना हो जवाहर, प्रिंट क्या करेंगे जवाहर। थर्ड नेम में क्या है, लेबल दिया है, लेबल क्या आएगा, प्रिंट करना है लाल। तो नेम फर्स्ट हमने प्रिंट क्या करवाने के लिए बोल दिया, नेम फर्स्ट लेवल फर्स्ट, ठीक है। नेम फर्स्ट में अनकंडीशनल लूप तो जिसमें प्रिंट क्या करना है वन, तो यहाँ नेम दिया है पहला तीसरा और क्या है पहला, ठीक है। तो पहले क्या चलेगा, प्रोग्राम स्टार्ट होगा पंडित से। पंडित से कहा है क्या है, क्या पंडित से जाने के बाद क्या बोला है, गो टू वन नेम वन में क्या जाना है, अनकंडीशनल लूप है। अनकंडीशनल लूप में क्या है, गो टू नेम वन, पंडित को प्रिंट करना है, उसके बाद कहाँ पहुँचना है, नेम वन पे पहुँचना है। तो कहाँ पहुँचना है, नेम वन पे। नेम वन पे क्या प्रिंट करना है, नेहरू प्रिंट करना है। बाकी हमने प्रिंट गो टू का जो हमने क्या लगा दिया है, स्टेटमेंट लगाने से क्या हो गया है, हमारा जो रीड करेगा प्रोग्राम क्या करेगा, रीड करेगा प्रिंट पंडित, रीड करेगा प्रोग्राम, फिर उसके बाद क्या करेगा, गो टू नेम वन, नेम वन को प्रिंट रीड करेगा। जैसे ही रीड करेगा उसको क्या बोला कि इंस्ट्रक्शन दिया कि कहाँ आ जाइए आप, जो हमारा नेम वन है उसमें आप चले आइए। नेम वन में जाएंगे तो लेबल क्या करना है, प्रिंट नेहरू करना है प्रिंट, और एंड द प्रोग्राम, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अनकंडीशनल लूप था कि दोबारा से रिपीट नहीं होना था, इसलिए वो क्या हो गया, एंड हो गया प्रोग्राम का। तो आप देख सकते हो आंसर में क्या मिला है हमको, पंडित और नेहरू मिला है हमारे बीच में, जवाहर और लाल इस नेम के बीच में जवाहर और लाल नहीं प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमारा क्या प्रोग्राम कह रहा था, ये कह रहा था कि आप क्या करो, पहले प्रिंट करो पंडित को, फिर उसके बाद नेम वन पे चले जाओ। तो नेम वन में क्या डाला है, नेहरू डाला है। इसी तरह तो हम दूसरे एग्जांपल में आते हैं। इसके बाद क्या है, गो टू को हम कंडीशनल लूप के साथ इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। जो हमारा पहला कंडीशनल हमने पढ़ा था, कंडीशनल लूप के साथ पढ़ेंगे, इफ देन स्टेटमेंट के साथ। इफ देन स्टेटमेंट के साथ कैसे पढ़ेंगे, हियर द पैरा टू एंड पैरा थ्री आर लेबल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, प्रोग्राम टू है जो स्टेटमेंट वन, ठीक है। पैरा टू लेवल जब करेंगे स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट फोर, फिर पैरा थ्री आएगा लेवल करेंगे जिसमें एक कंडीशन लगा दी गई, इफ कंडीशन वन इज ट्रू देन गो टू एंड, गो टू प्लस मतलब इफ देन स्टेटमेंट कंडीशनल लूप लगा दिया गया। इफ लगाने का मतलब क्या है, इफ या देन क्या करोगे, अगर लगाने के बाद क्या कर दिया है, कंडीशनल लूप लगा दिया है। अगर इफ कंडीशन पहली वाली सही है तो आप कहाँ चले जाओगे, गो टू एंड में चले जाओगे, और अगर नहीं सही है तो आप कहाँ जाओगे, इट्स नॉट ट्रू, कंडीशन वन ट्रू नहीं है, तो क्या होगा, वो स्टेटमेंट टू थ्री और फोर को रीड करके तब पहुँचेगा। इफ द कंडीशन, फिर उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट फाइव को पढ़ेगा, रीड करेगा, फिर क्या करेगा, गो टू द पैरा टू, अनकंडीशनल लूप में एंड हो जाएगा फिर प्रोग्राम। अनकंडीशनल लूप मतलब कि इसके बाद आपको एंड करना है, दोबारा से रिपीट नहीं होगा। कंडीशनल लूप तब होगा अगर इफ अगर स्टेटमेंट वन ट्रू है तो आप क्या चले जाओगे, गो टू एंड में चले जाओगे, और लास्ट में क्या होगा, आप कोई भी और स्टेटमेंट नहीं पढ़ोगे, कहाँ चले जाओगे, सीधे गो टू में चले जाओगे। गो टू में जाने के बाद पैरा टू लिखेगा, अनकंडीशनल लूप के थ्रू वो बंद हो जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट अगर पहला ट्रू नहीं है, अगर हमारा कंडीशन वन ट्रू नहीं है तो क्या होगा, पैरा टू में जाएगा, पैरा टू से स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट फोर को रीड करेगा, स्टेटमेंट फाइव में लेबल करेगा, लेवल करेगा, फाइव में लेवल करने के बाद क्या आएगा, स्टेटमेंट फाइव को रीड करेगा, स्टेटमेंट फाइव के बाद गो टू पैरा में जो पैरा टू है, पैरा टू में आएगा, पैरा टू में जैसे ही आएगा तो एंड कर देगा प्रोग्राम, ठीक है। आप इसके बाद क्या है, मतलब क्या है, अगर इसमें ऐसा कोई दो बातें लिखी हैं, अगर वो ट्रू है, पहली बात सही है, तो दूसरे वाले को रीड नहीं करेगा, तो सीधे अपना प्रोग्राम वहीं से रीड करना प्रोग्राम बंद कर देगा, और एंड में आ जाएगा रिजल्ट आपको शो करने लगा। जैसे नीचे द फॉलोइंग एग्जांपल विल इलस्ट्रेट दिस मोर क्लियरली। इफ इट इज़ अ नंबर्स गेसिंग गेम्स इन विच द यूजर्स विल इनपुट हिज गेस। आप क्या करो, एक गेम होता है जैसे ना गेसिंग नंबर्स, तो वही गेसिंग नंबर्स का गेम है। आप थोड़ा सा आप देखिए, और यूजर्स विन व्हेन ही गेसेस द करेक्ट नंबर, यूजर्स करेक्ट नंबर विन करे तब जीतेगा जब वो करेक्ट नंबर क्या कर लेगा, गेस कर लेगा। तो चलिए क्या है कंडीशन वो आप देखेंगे। जैसे आंसर क्या है इसमें दिया है, आंसर दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, आंसर 48 दिया है। स्टार्ट करना है गेम, प्रिंट करेगा अगर गेस आर नंबर्स बिटवीन द वन एंड 100, वन से लेके 100 के बीच में कोई नंबर आपको गेस करना है, इनपुट गेस करेगा। इफ गेस इज इक्वल टू आंसर, अगर गेस का आंसर क्या है 48 है, तो क्या है, देन गो टू व्हेन, वो आंसर क्या प्रिंट कर देगा, गो टू एंड, गो टू में जाएगा और क्या कर देगा, एंड कर देगा, गो टू विन, विन में जाएगा और वो प्रिंट क्या कर देगा, करेक्ट आंसर प्रिंट कर देगा। अगर नहीं है क्या है, इफ द इनपुट गेस क्या हो जाए, इफ द गेस ग्रेटर देन द आंसर, आंसर से बड़ा वो क्या कर दे, कोई नंबर जैसे आपने टाइप किया, अगर 48 आपने टाइप कर दिया तो वहाँ क्या लिख जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, करेक्ट आंसर विन पे जाएगा, करेक्ट आंसर प्रिंट करके आपको दे देगा कि आपने सही चूज किया है। अगर आपने क्या किया, गेस किया नंबर और वो क्या है, ग्रेटर है आपके नंबर से, जो नंबर दिया है आपने 50 सेलेक्ट किया है और आंसर क्या है 48, तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्रिंट क्या हो के आएगा, तब वो कहेगा कि देन
प्रिंट यू गेस अ लार्ज नंबर, आपने क्या गेस किया है, लार्ज नंबर गेस किया है, फिर कर गो टू स्टार्ट, फिर से जाओ स्टार्ट में, फिर से वो क्या कर देगा दोबारा से कहाँ पहुँचा देगा स्टार्ट से, स्टार्ट से फिर बोलेगा गेस अ नंबर, फिर आप जो नंबर गेस करोगे अगर क्या हो जाए आपने उससे छोटा नंबर, अगर इफ लगाया था ना इफ बड़ा है तो गेस कितना प्रिंट कर देगा, अगर एल्स, अगर नहीं, अगर क्या नहीं है इफ द गेस नंबर इज लेस देन, अगर इसमें एल्स लगाने का मतलब इफ और एल्स का मतलब है साथ में इफ और लगता है या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन एल्स के साथ लगती है, मतलब ये होता है या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, ठीक है। अभी क्या है फिर एल्स लगाने का मतलब यू गेस अ स्मॉलर नंबर, या तो तुम आपने बड़ा नंबर चूज किया होगा या तो स्मॉलर नंबर होगा, अगर बड़ा नंबर तो यू गेस अ लार्ज नंबर प्रिंट करेगा, अगर नहीं छोटा नंबर होगा तो यू गेस अ स्मॉल नंबर प्रिंट कर देगा, फिर गो टू स्टार्ट में जाएगा, फिर से आपको करने के लिए प्रोसेस बोलेगा, अगर आपका फिर से रीड करेगा प्रोग्राम, अगर आपका सही होगा तो क्या होगा एंड पे आएगा, वेन को प्रिंट करेगा करेक्ट नंबर आ जाएगा और लास्ट में एंड हो जाएगा, प्रोग्राम का एंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे अब हम बाद में पढ़ेंगे, नाउ रीड द चैप्टर, थैंक यू।